नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां अशोका गार्डन के एक घर से पुलिस ने 32 लाख कटे फटे पुराने और नए नोट बरामद किए हैं। युवक का मनी एक्सचेंज का काम करता है, उसके पास से एक लेटर मिलने की भी बात सामने आई है। पुलिस हवाला के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। पंतनगर अशोका गार्डन निवासी कैलाश खत्री के घर में बड़ी संख्या में नोट मिले हैं। पुलिस को 31,87,073 रुपए मिले हैं। इसमें 5, 10, 20, 50 और 100 रुपए के कटे फटे और पुराने और नए नोट भी शामिल हैं। तो बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां मिली, कारोबारी के घर पुलिस की दबिश। तो बड़ी संख्या में मिली नोटों की गड्डियां, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय डोंगर डीवी सीधे जुड़ गए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, भोपाल की बात करें तो भोपाल में अशोका गार्डन के एक घर में लाखों की गड्डियां मिली है। कहा जा सकता है पूरा घर जो है वो रुपयों से भरा हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए तो जो ये पंतनगर में कैलाश खत्री है, इनके घरों में जो नोटों की गड्डियां, जब पुलिस को सूचना मिली थी, सूचना जो पुलिस का मुखिया तंत्र है, उन्होंने ये सूचना दी थी कि जो पंतनगर है अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें कैलाश खत्री के यहाँ काफी नोट देखे गए थे। और कहा जाए तो ये नोट वो थे जिनकी जो फटी हुई गड्डियां रहती है, फटे हुए नोट रहते हैं, पुराने नोट रहते हैं, जिसको बदलने को लेकर कार्रवाई की जाती है या रिजर्व बैंक इन्हें बदल के देता है। वहीं देखा जाए तो इनके घर में जिस प्रकार के नोट मिले हैं, ये पुराने नोट ही नहीं है कविता। इसके साथ अगर आप देखेंगे कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको नई गड्डियां मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या परसेंटेज पे कुछ परसेंटेज बढ़ाकर आपको नई गड्डियां दे दी जाती है, नई गड्डियां भी बेची जाती है। तो उसी अगर उसी में देखा जाए तो कैलाश पंत के कैलाश खत्री के यहाँ इसी प्रकार की, चाहे एक की नोट की गड्डी हमें देखने को तो आज आंखों से नहीं मिलते हैं एक के कड़क नोट, लेकिन कैलाश खत्री के यहाँ वो नोटों की गड्डियां भी देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस इसके ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई की बात की जाए, तो पुलिस ने यही देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर नोट बदलने की कार्रवाई, नोट बदलने को लेकर यह पैसा जमा किया गया है, तो कब से यह पैसा जमा किया गया है। और कैलाश खत्री ने जिस प्रकार से बताया है कि यह लगभग 10 से 15 सालों के से ज्यादा से इस नोट बदलने की काम करते हैं और कारोबार करते हैं, जो व्यापारियों तक यह पैसा पहुंचता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है, कहीं ये हवाला का पैसा तो नहीं, या हवाला के कांड के तहत ये पैसा तो नहीं लिया जाता या दिया जाता है। तो नोट बदल लिए जाते हैं तो नोट कैसे बदले जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, किसके बदले जाते हैं, कहां से लिए जाते हैं, तो इस प्रकार की पुलिस को जो कार्रवाई करनी है। पुलिस एक एंगल पे और जांच करने की बात आ रही है कि इनके पास जो नोट बदलने के लेकर रिजर्व बैंक में ये लोगों जब नोट बदलने जाते हैं तो क्या इनके पास कोई लाइसेंस है कि रिजर्व बैंक जाते हैं और वहां से नोट बदलते हैं। नोट बदलने के बाद ये नोट किस प्रकार से अपने, क्या इनका अकाउंट है या कहां जमा करते हैं या किस प्रकार से इनकी ये कार्रवाई करते हैं, इसको लेकर अगर देखा जाए तो अपने आप में भोपाल मैं काफी कई सालों बाद ये देखने को मिल रहा है कि जो इस प्रकार की कार्रवाई है, फटे पुराने नोटों को बदलने को लेकर इतनी बड़ी संख्या में अगर नोटों की गड्डियां मिलती है तो कहीं ना कहीं एक घर में इतने नोट रखना भी एक कानूनन अपराध माना जाता है। और अगर इससे इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो जब अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर देखे कविता तो बिल्कुल ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हवाला से संबंधित भी हो सकता है। पुलिस का आरोप भी है कि पुलिस इस पे भी जांच करेगी, क्या खत्री का काम हवाला से भी संबंधित है, तो ये देखना होगा कविता, क्योंकि पुलिस जांच में जुटी हुई है कि पुलिस की जांच में क्या निकलता है। जी बिल्कुल संजय, यदि बात करें कारोबारी के पास से एक लेटर भी मिला है, तो क्या उस लेटर को पुलिस ने बरामद कर लिया है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इस पर कोई जानकारी? बिल्कुल कविता, पुलिस के पास जिस प्रकार के लेटर की बात आ रही है, पुलिस ने जब छापामार कार्रवाई की थी वहां पर नोटों की संख्या काफी बड़ी संख्या में नोट देखे मिले थे, उनकी गिनती करी गई तो कई बड़ी संख्या में नोटों के बाद एक लेटर मिला है। लेकिन लेटर को लेकर अभी पुलिस ने अपना इस चीज का कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इस लेटर में क्या लिखा है और किस प्रकार की जानकारी है और उसमें क्या किसका जिक्र किया गया है। अब ये पुलिस का ये कहना है कि जब जांच हो जाएगी, जांच के बाद इस लेटर के बाद और इतने सारे नोटों गिनती और इनके ऊपर कार्रवाई की बात की जाएगी। जी
बिल्कुल संजय, यदि कारोबारी कैलाश खत्री की बात करें तो क्या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है या कुछ पूछताछ कर रही है पुलिस? बिल्कुल कविता, क्या है पुलिस ने जिस प्रकार से छापामार कार्रवाई की थी, अभी तो पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद अभी पूछताछ जरूर कैलाश खत्री से की जा रही है कि उनके पास अगर ये नोट आते थे तो कहां से आते थे और किसको ये नोट देते थे, या नोट बदल के भी कितने नोट इन्होंने दिए हैं और अन्य कहां पे इनका पैसा जाता था, किस प्रकार से ये नोट बदलवाते थे रिजर्व बैंक में, क्योंकि हमने भी देखा है कविता की रिजर्व बैंक में एक आदमी जाता है तो एक बार में मात्र कुछ नोट बदल पाता है, लेकिन अगर ये व्यापार करते हैं तो के ऊपर क्या लाइसेंस है, एक जांच का विषय यह भी बन रहा है। और इसके बाद जब जांच हो जाएगी और इनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है कि इनके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है और इन्होंने जो इतनी सारी रकम अपने घर में जमा कर रखी थी तो इसको पूरे को लेकर ये कार्रवाई बनती है और पुलिस इसके ऊपर जांच के बाद ही कोई कार्रवाई कर पाएगी। अभी जरूर कैलाश खत्री को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है, थाने पुलिस अपने साथ लेके आई है। अब ये जानकारी पुलिस से जानकारी के बाद जब केस बनेगा उसके बाद ही पुलिस बता पाएगी कि किस प्रकार का केस बनाया गया है और लेटर में क्या था। बिल्कुल संजय, पुलिस पूछताछ के बाद ही जो है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।